हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं तस्खीर एंड यू आर वाचिंग THK रिएक्शंस। मैंने एक वीडियो की थी 7 पुअरेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान टीम, जिसमें कुछ चेहरे हमने देखे थे। उसका पार्ट 2 है ये, 7 पुअरेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम पार्ट 2, जिसमें हमें और दूसरे चेहरे देखने को मिलेंगे जो गरीबी से क्रिकेट टीम में आए और कैसे कैसे स्ट्रगल कर आए और आज कहाँ पर हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, जबकि अक्सर लोगों को अपनी मेहनत के बलबोते पे अपना नाम कमाना पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे सितारों के बारे में बताएंगे जो माजी में बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन अपने टैलेंट की बिना पे आज वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, मोहम्मद हफीज। दोस्तों, पंजाब के शहर सरगोधा में पैदा होने वाले माया नाज खिलाड़ी मोहम्मद हफीज को 3 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलने का शौक हुआ करता था और पढ़ाई के साथ साथ वो अपना शौक भी जारी रखते हैं। मगर मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजारे हैं। इनके वालिद बच्चों की जूतियाँ बनाया करते थे, जिनके बदले में उनकी चंद 100 रुपए ही कमाई हुआ करती थी, जिससे मकान का किराया भी देना मुश्किल होता था, क्योंकि मोहम्मद हफीज के वालिद किराए के मकान में रहा करते थे। और जब मकान का किराया भी ना दे पाए तो अपने रिश्तेदार के घर में पनाह ले ली। इस तरह हालात से लड़ते लड़ते मोहम्मद हफीज को गली की क्रिकेट से क्लब्स की दुनिया में पहुंचने का मौका मिल गया और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत और अपने टैलेंट की बिना पे इनको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया, जहाँ इनको अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल जाता है और आज ये पूरी दुनिया में प्रोफेसर के नाम से पहचाने जाते हैं। नंबर 6, मोहम्मद आसिफ। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम का ये माया नाज बॉलर, जिसकी गेंद मुखालिफ खिलाड़ियों को नजर ही नहीं आया करती थी, ये बॉलर पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा के इलाके माची के रहने वाला है। ये गुजर बिरादरी के एक गरीब घराने में पैदा होने वाले अजीम खिलाड़ी थे। मोहम्मद आसिफ को स्कूल से ही क्रिकेट खेलने का शौक हुआ करता था, इसीलिए ये अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सके और पढ़ाई छोड़ के ये अपना पूरा जोर क्रिकेट खेलने में लगा देते हैं। इन्होंने गरीब घराने से होने के बावजूद दोस्तों से पैसे उधार लेके शेखुपुरा क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया और यहीं से अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाते हैं। चलते चलते इनको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना लिया गया और ये अपनी शानदार बॉलिंग की वजह से मशहूर होने लगे। लेकिन अपनी गुरबत को भुलाकर पैसे के नशे में ये अफीम का नशा करने लग जाते हैं और आखिरकार इसी नशे की वजह से ये अपना शानदार कैरियर अपने हाथों से तबाह कर चुके हैं। अफीम का नशा। नंबर 5, मोहम्मद आमिर। दोस्तों, पाकिस्तानियों के दिलों की जान और पाकिस्तानी टीम की शान मोहम्मद आमिर एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों के होश गुम किए हुए हैं। इनकी बॉल पे छक्का लगाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ये बॉलर बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। ये रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट गुजर खान में पैदा हुए थे और ये चंगा बंगयाल के रहने वाले हैं। 7 बहन भाइयों में मोहम्मद आमिर छठे नंबर पे हैं। इनके वालिद नहायत गरीब और मेहनतकश इंसान थे। इनको बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक हुआ करता था और ये वसीम अकरम के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ना तो कभी दूर तक सफर करके खुद को लोगों के सामने ला सके और ना ही इनको सही तरह कोई पहचान सका। लेकिन आखिरकार वसीम अकरम की नजर मोहम्मद आमिर पे पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता ये नौजवान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन गया और आज ये गरीब क्रिकेटर अपने आप को मनवाने में कामयाब हो चुका है। नंबर 4, आसिफ अली। दोस्तों, आसिफ अली जिसे आज पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर इनकी शानदार बैटिंग ने पाकिस्तानी टीम को हारे हुए मैच जितवा दिए थे। इनके छक्के मुखालिफ टीम के छक्के छुड़ा चुके हैं, लेकिन अगर इनकी जिंदगी पे गौर किया जाए तो ये फैसलाबाद के बहुत गरीब घराने में पैदा होने वाले खिलाड़ी थे। इनके वालिद फैक्ट्री में काम करते और सारा दिन मजदूरी करके अपने खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया करते थे। अपने घर की माली मुश्किलात की वजह से आसिफ अली अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते हैं और जल्द ही इनको अपनी तालीम छोड़ के एक फैक्ट्री के अंदर क्वालिटी इंस्पेक्टर की नौकरी करना पड़ गई। और क्या आप जानते हैं कि आज एक मैच के बदले लाखों रुपए लेने वाले आसिफ अली की पहली सैलरी क्या थी? इनकी पहली तनख्वाह महज 5,000 रुपए के बराबर थी, लेकिन ये फिर भी पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करते रहे। लेकिन बचपन से ही आसिफ अली को क्रिकेट का बहुत शौक
शौक होता था और नौकरी की वजह से उनका ये शौक मजबूरी की नजर हो रहा था, मगर वो जुमे के दिन अपना ये शौक पूरा करते और अपनी ये छुट्टी पूरा दिन खेलने में गुजार देते। एक दिन इनके मैनेजर ने इन्हें बोला कि या तुम क्रिकेट खेलो या काम करो, तो उस दिन ये अपनी जॉब को खैर आबाद कह देते हैं और आज अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबोते पे गरीब घराने का ये लड़का दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका है। नंबर 3, फखर जमान। दोस्तों, जिला मर्दान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का बचपन से ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहता था। ये बल्लेबाज अपने बल्ले को दुनिया के सामने चलाना चाहता था, लेकिन ये सब करने के लिए इसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में फखर जमान बताते हैं कि इनकी दिली तमन्ना हुआ करती थी कि उनके पास अपने पैड्स हों और क्रिकेट का बैट हो, लेकिन उस वक्त ये सब लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ये लड़का यानी कि फखर जमान अपने शौक तो पूरे करना चाहता था, लेकिन 17 साल की उम्र में ही इसे अपने खानदान की कफालत करनी पड़ जाती है, क्योंकि इनका खानदान बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का शिकार हो जाता है। इसीलिए फखर जमान अपना शौक पीछे छोड़ते हुए पाक बहरिया में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि जैसा वो करना चाहते थे वैसा कर नहीं रहे थे। चलते चलते कराची शहर इनकी किस्मत बदल देता है और ये नेवी से निकल कर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाते हैं और आज अपनी शानदार बल्लेबाजी की वजह से ये अपने टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं। नंबर 2, अब्दुल रज्जाक। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक लाहौर में पैदा होने वाले एक सितारे हैं। इनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके वालिद खराब होने वाली मशीनों के कारीगर थे और वो मरीद के में रिहान मिल्स के अंदर काम करते थे। उनका हाथ मशीन में आने की वजह से कट गया, जिस वजह से उन्हें ये जॉब छोड़नी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। इसी दौरान अब्दुल रज्जाक शादरा मोड़ के इलाके में मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया करते थे। खास तौर पे ये गुल्ली डंडे के मशहूर खिलाड़ी थे, लेकिन इन सब खेलों की वजह से अब्दुल रज्जाक को बहुत मार पड़ती थी। गुर्बत की वजह से ये दोस्तों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करते और गेंद बल्ला खरीद कर लाते थे। हत्ता के ईद पे मिलने वाली ईदी के पैसों से भी क्रिकेट की चीजें ले आया करते थे और यही शौक और लगन एक दिन इनके काम आ जाती है और ये अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो गए और आज इनका नाम फखर से लिया जाता है। नंबर 1, बाबर आजम। दोस्तों, बाबर आजम जो आज पूरी ही दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं और ये हर रोज एक नया रिकॉर्ड तोड़ते ही चले जा रहे हैं। इनकी बैटिंग इतनी शानदार होती है कि कोई भी टीम इनको आउट करने में नाकाम नजर आती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम का ये कैप्टन शुरू में बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इनके वालिद का कहना है कि इनके पास एक टूटा फूटा मोटरसाइकिल हुआ करता था और उसी मोटरसाइकिल पे वो अपने बेटे बाबर आजम को एकेडमी लेके जाया थे। इनके वालिद तपती हुई धूप के अंदर खड़े होके अपने बेटे के आने का इंतजार करते और इसी वजह से उनको 10 सालों से स्किन एलर्जी हो चुकी है। ऊपर से गुर्बत के ये हालात होते हैं कि इनके वालिद के पास बस एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे और वो खुद भूखे रह के अपने बेटे बाबर को खाना खिलाया करते थे। फाकों की जिंदगी गुजारने वाले इस खानदान में से आखिरकार बाबर आजम अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाते हैं और की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ये आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे मायानाज सितारे जो बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट की बना पे दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो इन सब में से कौन सा खिलाड़ी आपका मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। तो भाई, ये थे 7 खिलाड़ी ऐसे जिनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अब्दुल रज़ाक, बाबर आजम की स्टोरी भी सुन ली भाई आज मैंने कि क्या था बंदा और क्या है आज नंबर 1 रैंकिंग है भाई उस बंदे के पास, तो कहाँ से पहुँचाए, टूटी फूटी मोटरसाइकिल से उसके फादर पहुँचाया करते थे एंड वो प्रैक्टिस किया करते थे, उसके बाद आज कैप्टन बने बैठे हैं। मतलब सबकी स्टोरी अगर उठाकर देखें तो किसी के पास कुछ नहीं होता था, किसी के पास घर नहीं था। मोहम्मद हफीज़, उनके पास घर किराए का था। मोहम्मद आसिफ़ के बारे में जानकर बड़ा ही दुख हुआ मुझे, मतलब मुझे पता नहीं था कि उनका करियर किस तरीके से ख़त्म हुआ। मोहम्मद आसिफ़ बहुत गरीब
घराने से हैं, वो भी जैसे जैसे तैसे स्ट्रगल कर वो पहुंचे इतनी ऊंचाइयों पर। बहुत सही बॉलर थे, मैंने देखी उनकी बॉलिंग, अच्छे बॉलर थे, लेकिन उनका करियर ऐसे ख़त्म होगा मुझे नहीं पता था कि वो नशे की लत लग गई थी उन्हें, नशे की हालत में, मतलब नशे में आप खेल ही नहीं सकते। एक स्पोर्ट्समैन जो है वो नशा कर नहीं खेल सकता। दुख हुआ अंदर से कि यार इतना टैलेंटेड बंदा एक नशे में पड़ गया, और अफीम का नशा बता रहे थे ये। अगर सच है ये तो कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिएगा इस बात को कि कब से और क्या उनकी, मतलब मैं इनकी स्टोरी देखूंगा कि यार हुआ कैसे ये। स्टोरी इसमें बहुत ही इंस्पायरिंग थी अंदर से, जोश जगा देते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं इतने से भी तो आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ऐसी चीज़ों को देख कर कि हाँ तो मैं भी अपनी फील्ड में वो कर गुजरना है जो आपको पसंद है। आपको कैसे लगी ये वीडियो, पसंद आई तो लाइक करके शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।